बिहार में बढ़ते अपराध को देखते हुए सरकार की ओर से एक बड़ी पहल की गई है। अपराधी नियंत्रण के लिए मजबूत पुलिसिंग को सफल बनाने के लिए डायल 112 नंबर की शुरुआत की गई है। इसी के तहत सिवान में भी जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे और एसपी शैलेश कुमार सिन्हा के द्वारा सहनालय परिसर में 112 टोल फ्री नंबर की 8 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। एसपी ने बताया कि इस वाहन को आ जाने से अपराध पर बहुत हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने यह भी बताया कि सिवान जिले के लिए 8 वाहनों को सरकार की तरफ से भेजा गया है, जिसमें 5 वाहन सिवान शहर के लिए, 1 मैरवा, वहीं 2 महाराजगंज के लिए दिया गया है। वाहनों के भीतर 1 पुलिस अधिकारी, 2 अतिरिक्त पुलिसकर्मी और तथा 1 ड्राइवर मौजूद रहेंगे, जिनमें 2 पाली में ड्यूटी रहेगी। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि 112 पुलिस वाहन अपराध पर कितना नियंत्रण कर पाती है, वह तो आने वाला वक्त बताएगा। पूरे राज्य भर में यह आपात अनुकूल वाहन का उद्घाटन किया गया है। इसके तहत सिवान जिला को भी 8 वाहन दिए गए हैं। यह प्रथम चरण है। इसमें सभी अर्बन एरिया को, जो शहरी क्षेत्र हैं, लोगों नीचे करने के लिए यह व्यवस्था की गई है। इसमें 4 आपके शहर थाना में रहेंगे, नगर थाना में 1 रहेंगे गोपालगंज मोड़ पे, 2 महाराजगंज को दिया गया और 1 मैरवा पे। 112 नंबर का कोई भी आम नागरिक अगर डायल करेगा तो यह तत्काल वाहन उसकी सहायता के लिए पहुँचेगा। और इनको इसीलिए यह वाहन लगाया गया है कि थाना को पहले हो सकता था किसी सूचना पर जाने में विलम्ब होता है, लेकिन अब यह वाहन उनके घर के आसपास ही होगा। और ऐसी व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर 112 पर डायल करता है तो यह वाहन 10 मिनट से कम समय के अंदर अंदर उनके पास पहुंच जाएगा और तत्काल उनको जो भी पुलिस की सहायता हो सकती है, जो पुलिस का कार्य है, वह उनको तुरंत उपलब्ध कराएगा। सर, गाड़ी कंट्रोल रूम सर कहाँ होगा? सर, कंट्रोल यहाँ पे जिला में भी है और राज्य स्तर पर पटना में भी। सर, कितने लोग रहेंगे? कितने अधिकारी और जवान रहेंगे? सर, हर गाड़ी पे 2 पाली में इनकी ड्यूटी होगी। 12-12 घंटे की भी तत्काल ड्यूटी लगाई गई है। बाद में हमारे और कर्मी उपलब्ध हो जाएंगे तो इसको 8 घंटे की 3 पाली हो जाएगी, लेकिन अभी 2 पाली है जिसमें 3 पुलिसकर्मी प्रत्येक वाहन पर रहेंगे, 1 चालक के साथ, चालक अलग से। क्राइम पे सर काफ़ी कंट्रोल हो सकता है 112 से? सर, यह बहुत ही उपलब्धि से होगी। और आप जैसे आप देखें कि अभी शहर में हम लोग जैसे व्यवस्था कर रहे हैं, तो शहर में आपके आंदर ढाला पर एक वाहन लगेगा, 1 सिसवन ढाला पे लगेगा, 1 तरवारा मोड़ पे लगेगा और 1 आपका हॉस्पिटल रोड में फतेहपुर बाईपास के पास लगेगा। इसके अलावा गोपालगंज मोड़ पे होगा, महाराजगंज में नखास चौक और रामलखन सिंह चौक, यह दोनों शहर का महत्वपूर्ण चौक है, वहाँ लगेगा, और मैरवा का मझौली चौक पे लगेगा। तो इस प्रकार यह वाहन शहरी क्षेत्र के लिए काफ़ी इफेक्टिव होगा। ठीक है, थैंक यू।